खून का बदला खून की तर्ज पर एक भाई ने अपने भाई के हत्यारे की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कुछ समय पहले ही जेल से पैरोल पर छूटकर बाहर आया था। छतरपुर में कुछ समय पूर्व हत्या के मामले में आरोपी को जेल भेजा गया था, जहां से वो पैरोल पर बाहर आया था, जिसकी मृतक के भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना और मामले की जानकारी लगने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बैनीगंज मोहल्ला निवासी जहूर खान ने शेख इशाक के छोटे भाई शेख वसीम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई शेख इशाक ने भाई की मौत का बदला लेने के उद्देश्य से जहूर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इशाक को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात लगभग 10 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें एक जहूर नामक व्यक्ति को गोली मारी गई है, जो कि उसके एक गोली पेट और सीने में लगी है। और इसमें जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। इस घटना के पीछे जो कारण सामने आया है, ये जो मृतक है जहूर, ये अभी पैरोल पे सतना जेल से आया हुआ था, और इसने जो आरोपी है उसके भाई की आज से 6-7 साल पूर्व हत्या की थी, एक विवाद के ऊपर, और उसी रंजिश के कारण इस जहूर की कल हत्या की गई है। इसमें जो आरोपी है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और जो घटना प्रयुक्त हथियार था उसकी बरामदगी भी हो गई। कल घटना ये हुई कि कल हमारी सास की फाता थी, तो सुनने हमारे बुलाया था, तो हमने फाता आता दिलवाई। 7 बजे का टाइम है, 7 बजे उनसे हमारे हम पहुंच गए थे नौगांव। उनने फ़ोन लगाया हमारे मोबाइल पर, 6-7 मिस कॉल डली थी पहले। फिर उनने हमारी मम्मी के नंबर पर फ़ोन लगाया और बोला कि बेटा जल्दी आ जाओ, हमारी जान का खतरा है हमें इसाक अली से। तो हमने कि हाँ आ रहे हैं पापा। और फिर कुछ देर के बाद हमारे पास फ़ोन आया कि हमारे पापा को इसाक अली ने गोली मार दी, 3 गोली मारी और उनकी मौत हो गई। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।